नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। सुबह सवेरे गेम समझिए लेकर फिर से हाजिर है आपके पास। नीतीश को छोड़ लालू चले गए हैं दिल्ली, सारा खेल समझ गए हैं मीटिंग से पहले ही, ऐसा कुछ लग रहा है। आते हैं बाबा से बात करते हैं क्या कुछ लग रहा है, नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे, इन सारी मुद्दों को लेकर बाबा के पास चलते हैं। बाबा, क्या कुछ लग रहा है इस? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप लोग गेम समझिए को अपना बना लिए हैं और इसमें बहुत अधिक संख्या में आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। उस कमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसकी चर्चा मैं पहले करूंगा। देखिए, हम जो बातें करते हैं आपसे, जो खबरें आप तक पहुंचाते हैं और गेम समझिए में हम बताने की जो कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल आधारित होती है उन राजनीतिक दल के नेताओं के बयान पर। बयान चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी बयानों के आधार पर जो हमारी समझ आती है, जितनी हमारी छोटी बुद्धि में समझ है, उस समझ के हिसाब से हम कोशिश करते हैं आप लोगों को बताने का तार्किक रूप से कि आखिर चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अब आप इतना समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वो दिल्ली, तो माफ़ कीजिएगा, वो मुंबई जाएंगे, मुंबई मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन मीटिंग में शामिल होने के साथ साथ उन्होंने तीन चार बातें बहुत मजबूती से रखी हैं। उन्होंने कहा है कि सीट कौन कहां से कितने सीटों पर लड़ेगा जी, ये जरूरी है, सभी को एकजुट रखना जरूरी है और हमको कुछ नहीं चाहिए जी। ये तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसी पर आकर के पूरा का पूरा मामला अटक गया है। लालू प्रसाद एक दिन बाद भी जा सकते थे, लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ भी जा सकते थे जी। लेकिन लालू प्रसाद नीतीश को छोड़ करके पहले क्यों गए हैं जी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और इस यक्ष प्रश्न को आप खोजना शुरू कीजिए। हालांकि हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, बिहार से हैं, लेकिन क्या ये संभव लगता है? ये तब संभव लगता जब नीतीश कुमार जी कई राज्यों में अपना नेटवर्क जो फैला चुके होते, इनके किसी राज्य में एक सांसद होते, किसी राज्य में चार गो विधायक होते, तो ये कहा जा सकता था कि नीतीश कुमार की पहुंच और नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो इनको जगह पर पहुंचाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार जी अपने 16 सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, यहाँ संशय वाली बात पैदा हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति, जो दल इन्हें संयोजक बनाने की बात करता है, इन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की बात करता है, उसके पास एक भी सांसद नहीं है। वो लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व तक नहीं रख पाया है और वो लोकसभा में अपनी बात तक नहीं रखने का अधिकारी है। यही लालू प्रसाद जो लोकसभा में गरजते थे तो अच्छे अच्छे लोग वेट करते थे, इंतजार करते थे और लालू प्रसाद का समय बढ़ाया जाता था जी। ये लालू प्रसाद की विशेषता थी कि लालू प्रसाद जब किसी विषय पर बोलना शुरू करते थे तो दूसरे सदस्य जो है अपना समय लालू प्रसाद को दे देते थे जी, बोलने की, लालू जी बोलेंगे जी, मेरे समय में भी लालू जी बोलेंगे। और आज उस राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति यह है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या ये लालू प्रसाद समझ नहीं रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव का ऐसा लग नहीं रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए हैं? और अब जब मुख्यमंत्री बनने की स्थिति पैदा होती है, नीतीश कुमार पलट जा रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं ऐसा कुछ एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, नीतीश कुमार 2025 तक का लॉलीपॉप चुसा रहे हैं जी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं, जब 2025 तक नीतीश कुमार का वेट करना ही है, जब 2025 तक कुर्सी नहीं मिलनी है, तो नीतीश कुमार कुछ भी बन जाए या कुछ नहीं बने, उससे क्या लेना देना है? नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़ने के लिए आज तैयार हो जाए तो लालू प्रसाद किसी भी तरह से कांग्रेस को समझा करके और नीतीश कुमार के लिए जगह तय करा देंगे। लेकिन यहां तो स्थिति दूसरी है जी। दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, नीतीश कुमार जी को इस हाथ में भी चाहिए और इस हाथ में भी चाहिए। और बार बार जो ये कह रहे हैं, हम कई बार बता चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं, अब देख लीजिएगा कि इस बार अगर ठाकुर धर्मेंद्र यहां आएंगे तो हम उस स्थिति को एक बार फिर से याद दिलाएंगे जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार मंच छोड़ के चले गए थे, जब ये नारा लगा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, उस पर काफी आपत्ति जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह के नारे लगेंगे तो हम ऐसे मीटिंग्स में शामिल नहीं होंगे, यानी आप मत कहिए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि ये भी सच है कि इसी नीतीश कुमार ने ऐसे ऐसे मुट्ठी ठोक करके कहा था
कि मैं एक दिन प्रधान मुख्यमंत्री बनूंगा जी। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जब प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी है ही नहीं तो नीतीश कुमार जी आखिर जा कहां रहे हैं, फॉर्म कहां फिलअप कर रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि अभी वर्तमान जो इंडिया गठबंधन बना है उस इंडिया गठबंधन में बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं। अगर वो इस इंडिया गठबंधन को अंतिम समय तक देख लें तो उन्हें ज्यादा ये अंदाजा लग जाएगा कि आगे उनको कौन सा स्टेप उठाना है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आखिर नीतीश कुमार को छोड़कर लालू क्यों गए जी? आपको याद होगा कि पटना की बैठक में बहुत कुछ बातें हुई थी, इसकी चर्चा तो हम भी लगातार कर चुके हैं, कई लोग चर्चा कर चुके हैं लगातार इस बात की, राजनीतिक गलियारे से लेकर पत्रकारिता जगत में चर्चा हो रही है कि पटना की बैठक में नीतीश कुमार के रहते हुए उनके सामने लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को उनके शादी की बात की थी, उन्हें दूल्हा बनाने की बात की थी और सभी लोगों को बारात चलने की बात की थी जी। ये लालू प्रसाद का वो राजनीतिक एजेंडा था जिसको बेंगलोर में कांग्रेस ने पूरा कर दिया। कांग्रेस ने वहां पूरी मीटिंग को हैक कर लिया जी। और उसके हैक करने का नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पूरा बोरिया बिस्तर समेट करके वापस आ गए, और वापस ही नहीं आए, लालू प्रसाद को भी उनके पीछे पीछे आना पड़ा कि बिहार में उनकी सरकार चल रही है कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही कि नीतीश कुमार यहाँ आए और राज्यपाल के पास जा करके कह दें कि भैया अब नहीं जी। ऐसी स्थिति में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं, उनको छोड़ के जाने का एक और कारण जो सबसे बड़ा है वो ये है कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि चुनाव वक्त से पहले हो सकता है जी। और इन बातों को सुन करके लालू प्रसाद निश्चित रूप से भीतर ही भीतर आंदोलित जरूर होते हैं जी। अब जबकि लालू प्रसाद ने कह दिया कि एक संयोजक नहीं होंगे, कई संयोजक होंगे, तो नीतीश कुमार पर एक बार फिर से संशय के बादल मंडराने लगे जी। और यही कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार बार बार, हालांकि नीतीश कुमार शुरू से कह रहे हैं और नीतीश कुमार ये कहते भी हैं अपने लोगों से, एक तरफ से जिंदाबाद करवाते हैं, दूसरे तरफ से कहते हैं कि नहीं नहीं जिंदा उंदाबाद नहीं कहना है, नीतीश कुमार देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा ना ना ये सब मत कहिएगा, और इधर से कहवाते भी हैं। खैर ये सब बातें चलती रहती है राजनीति में, ये सब होती रहती है, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव को भी ये बात समझ में आ गई है कि उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है। नीतीश कुमार के साथ जब से आए हैं तो ग्राफ गिर रहा है। कल हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी, खबर के दौरान हमने बताया था कि लालू प्रसाद का वोट बैंक जो उनका 32% का वोट बैंक है अभी भी कांस्टेंट है। इस पर कई लोगों ने फोन करके भी हमसे बातचीत किया है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ लालू प्रसाद का वोट बैंक अगर बहुत ज़्यादा उनसे छिटकता भी है तो 2-4% के बीच में, यानी 28% कांस्टेंट वोट उनका है MY समीकरण का। इसके अलावे नीतीश कुमार का जो 16% कांस्टेंट वोट था वो है, तो इसका मतलब है कि ये 40%, 42%, 44% के आसपास होता है। होना चाहिए। तो उस जगह पहुंचने के बाद ये जीत का आंकड़ा होता है, लेकिन जो हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के 16% वोट में से आप लौकुश समीकरण के वोट को जो हमेशा 8-10% नीतीश कुमार को मिल रहा था उसमें बड़ी सेंधमारी हो गई है, जहां एक तरफ कुर्मी समाज भी उसमें के कुछ पार्ट हैं जैसे धानुक वगैरह हैं जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से खड़े हैं वो छिटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुर्मी समाज भी थोड़ा ही हो, अब जैसे RCP सिंह है कुर्मी में भी वो उनका जो कूड़ी है वो अलग है, लोग जो कहीं ना कहीं RCP सिंह को आज भी सपोर्ट करते हैं, एक IAS रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, कुछ तो जनाधार उनका होगा, अभी भी उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ वोट वहाँ से जा रहा है। और कुर्मी समाज तो पूरी तरह से नीतीश कुमार को टारगेट किए हुए है, यानी कि ये भी वोट बैंक वहाँ से जा रहा है। इस 16% वोट में नीतीश कुमार के पास गैर यादवों का OBC का वोट था जी। ये वोट भी नीतीश कुमार से जा रहा है, यानी कि लालू प्रसाद के साथ रहते न तो कुशवाहा समाज, न कुर्मी समाज और न अन्य OBC और EBC नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहेगा, तो
तो ऐसी स्थिति में 16% वोट अगर 50% भी कट जाता है तो 8% होता है और ये जीत की गारंटी नहीं होती है। लालू प्रसाद ये बात समझ गए हैं। लालू प्रसाद को इस बात का एहसास हो गया है कि कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज और अन्य ओबीसी ईबीसी जो है वो अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है। नीतीश कुमार के साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि नीतीश से धौंस खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार हमेशा अपने लिए ऑप्शन खुली रखते हैं और ये बात लालू प्रसाद भी जानते हैं। लालू प्रसाद 2 दिन पहले इसलिए चले गए कि कुछ ऐसा ना बोला जाए जिससे नीतीश कुमार रूस जाए और रूस करके मीटिंग में नहीं जाए। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि लालू प्रसाद जो नीतीश कुमार को छोड़ करके गए हैं तो एक बड़ा गैप स्पेस दे दिए नीतीश कुमार को सोचने के लिए। जब लालू प्रसाद बिहार में रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो लालू प्रसाद को देख करके नीतीश कुमार 24 घंटा उनके बारे में सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्लानिंग बना रहे हो, मेरी कुर्सी छीन जाए। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद बिहार छोड़ करके गए, तेजस्वी यादव को भी साथ लेकर गए हैं, तो नीतीश कुमार के पास पूरा वक्त है ये सोचने के लिए कि अब आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए और लालू प्रसाद को कैसे दबा करके रखा जाए। एक तरफ लालू प्रसाद ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी का नट्टी पकड़ लिए हैं जी, इस बार सत्ता से बाहर कर देंगे, तो एक बात तो निश्चित रूप से है कि आपकी भी गर्दन नीतीश कुमार जैसा फंसा हुआ है, नीतीश कुमार के पास फंसा हुआ है जी। नीतीश कुमार वो तोता में प्राण जैसे रहता था ना, वैसे ही नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार भले ही 2024 में आपके लिए मुफीद नहीं हो, उनका वोट बैंक कट जाए तो आपको वोट नहीं मिले जी। उस वोट, जिस वोट पर आप सोच रहे हैं कि हम 15 को सीट जीत के आएंगे, 16 को सीट जीत के आएंगे, वो शायद नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ एक बात तो तय है कि 2025 तक नीतीश कुमार के पास जनादेश है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो 2020 में एनडीए ने घोषित किया था नीतीश कुमार को ही जी। अब यह बात तो कहा जा सकता है कि इनके चेहरे पर वोट आया, सीट चाहे जिसको जितना मिल जाए जी। 2015 में भी नीतीश कुमार चेहरा थे, आप अधिक सीट लेकर के आए अलग बात है, लेकिन तब भी आप मजबूर थे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए। अब काहे ने तेजस्वी यादव को बना दिए, काहे ने राबड़ी देवी को बना दिए, लेकिन आप जानते थे कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा हैं। तो इतना तो डर दोनों खेमे में है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा गेम कर सकते हैं। 2025 तक नीतीश कुमार हैं और लालू प्रसाद को इसी बात का डर है कि अब वोट बैंक की बात तो बाद में की जाएगी, पहले अगर नीतीश कुमार सत्ता ही खत्म कर देंगे और कहीं जा करके राज्यपाल को इस्तीफा दे दिए तो ऐसी स्थिति में सरकार गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। जब उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भैया हम तो साथ देंगे नहीं आपका जी, मेरे खेमा में कोई नहीं आना है, तो इधर लालू प्रसाद भी ये बात अब मजबूर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास भी आंकड़े पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार इस इंडिया गठबंधन को लेकर के संशय की एक बड़ी मिसाल बने हुए हैं, संशय का सबसे बड़ा जो अगर कहीं देखिएगा तो नीतीश कुमार पर संशय है, सब नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे ये अभी भी लोगों को संदेह है। लालू प्रसाद की गारंटी अब मानने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि लालू प्रसाद खुद गारंटी नहीं दे पाएंगे जी। नीतीश कुमार की गारंटी देने वाला इस देश का कोई भी ऐसा नेता या फिर कोई भी ऐसा दल नहीं है जो नीतीश कुमार की गारंटी ले या उनको गारंटी दे जी। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगा कि सबसे पहले 2024 के चुनाव में वो ऐसा कुछ बनाए अपना ऑरा कि जिससे वो लोकसभा में प्रवेश कर सकें, और ये तभी संभव होगा जब कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आएगी। कांग्रेस को खुश रखना नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के लिए एक बड़ा टास्क हो गया है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ न जाकर के अन्य दलों के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो राहुल गांधी की बात मान लिए होते कि आप जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार करें और हमें और प्रतिनिधित्व दें जी। वहां तो नीतीश कुमार ने 0/0 कर दिया। अब महाराष्ट्र की बैठक पर सबका ध्यान है कि महाराष्ट्र की बैठक में नीतीश कुमार क्या कहते हैं जी। हमने आपको बहुत पहले कहा था जब ये
बैठक शुरुआत हुई थी बेंगलोर में नीतीश कुमार पहुंचे थे, उससे पहले हमने कहा था कि किसी भी बैठक में कभी भी नीतीश कुमार जाने से खुद को रोक सकते हैं और ये वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां से इस गठबंधन का बिखरने का काम शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार जिस तरह से लोगों को जोड़ करके ले आए हैं, दावा कर रहे हैं कि हम जोड़ के लाए हैं, इसमें लालू प्रसाद की भूमिका क्या है किसी से नहीं छुपा है। अब बदली हुई परिस्थिति में एक बात साफ नजर आ रही है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को छोड़ करके गए हैं और मीटिंग से पहले पूरा गेम समझ गए हैं कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। दो ही बातें हो सकती है, एक नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाएगा तो वो इस गठबंधन में भंडोल कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर नीतीश कुमार को लगे तो वो इस गठबंधन से अलग सरकार तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का मिलकर चलाएंगे, लेकिन उस गठबंधन में कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे जिससे कि कभी भी स्टेयरिंग घुमाने का और चाबी लगाने का उनको मौका मिले। तो ये चीज़ें नीतीश कुमार शुरू से करते आए हैं। एक बार फिर से यही कारण है कि लालू प्रसाद वहाँ गए हैं सेटिंग गेटिंग करने। अगर सेटिंग गेटिंग हो गया तब तो नीतीश कुमार के लिए बल्ले बल्ले है, नहीं हुआ तो नीतीश कुमार आप समझ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये गेम समझिए था, आपने सुना और सारा प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली